हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट में आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले के सामने HEC टाइप करें। एड्रेस के सामने वाले बॉक्स में HEC की वेबसाइट यानी www.hec.gov.pk टाइप करें और ओके का बटन प्रेस कर दें। ये देखें जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था यानी हायर एजुकेशन कमीशन, अब वहां नीले रंग और अंडरलाइन के साथ HEC लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है आप एक हाइपरलिंक क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। बॉर्डर्स, जैसा कि आप रजिस्टर में अपने काम को ज्यादा सफाई से पेश करने के लिए सफों के किनारों पर लाइंस या बॉर्डर्स बना लेते हैं और अपने ख्यालात को तरतीब देने के लिए उन्हें पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं, उसी तरह वर्ड में भी पेज के बॉर्डर्स बना सकते हैं और अपने ख्यालात को पॉइंट्स की शक्ल में टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स और पॉइंट्स यानी बुलेट्स लगाना सिखाएं। बॉर्डर्स डालने के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट की टैब में पेज बैकग्राउंड के मेन्यू में जाते हैं। अब हम पेज बॉर्डर्स पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे सामने बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमें तीन टैब्स नजर आ रहे हैं। इनके नाम बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग हैं। बॉर्डर्स का टैब दबाने से हम एक पैराग्राफ का बॉर्डर सेट करते हैं। पेज बॉर्डर के टैब से हम पूरे पेज का बॉर्डर सेट करते हैं। शेडिंग के टैब में हम पूरे पैराग्राफ का शेड सेट करते हैं। डायलॉग बॉक्स के दाईं साइड पर एक बड़ा डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे को प्रीव्यू बॉक्स कहते हैं। जब भी आप बॉर्डर के लिए कोई स्टाइल चूज करते हैं तो उस डब्बे में उसका डिजाइन या प्रीव्यू डिस्प्ले होता है। इस प्रीव्यू को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉर्डर स्टाइल आपने चूज किया है वो आपके डॉक्यूमेंट पर कैसा लगेगा। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में तीन लिस्ट्स हैं। पहली लिस्ट का नाम स्टाइल है। इससे आप बॉर्डर का डिजाइन चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट के दाईं तरफ एक स्क्रॉल बार है जिससे आप मजीद डिजाइन देख सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन चूज कर लेते हैं तो उसके गिर्द एक डब्बा बन जाता है और प्रीव्यू बॉक्स में उसका प्रीव्यू आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है वो कलर्स की है। इस लिस्ट पर इस वक्त ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट करना हो तो हम लिस्ट के दाईं तरफ जो तीर या एरो का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के छोटे डब्बे हैं। हम जिस रंग के बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं उस रंग के डब्बे पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने अभी नीले रंग के डब्बे पर क्लिक किया है। देखिए कि प्रीव्यू बॉक्स में बॉर्डर का रंग अब नीला हो गया है। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में जो तीसरी और आखिरी लिस्ट है वो विड्थ या मोटाई की है। इस लिस्ट के दाईं तरफ बने हुए तीर या एरो पर क्लिक करने से आपके सामने एक डब्बा खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ मोटाई की लाइंस बनी हुई हैं। इनमें सबसे पतली लाइन की मोटाई 1/4 पॉइंट्स है जबकि सबसे मोटी लाइन की मोटाई 6 पॉइंट्स है। हम जिस मोटाई के बॉर्डर्स चाहते हैं उस लाइन पर क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू बॉक्स में अब बॉर्डर्स की मोटाई उतनी सेट हो गई है जितनी हमने सेलेक्ट की थी। बॉर्डर्स का स्टाइल, कलर और विड्थ सेट करके हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे पैराग्राफ का अब बॉर्डर सेट हो गया है। इंसर्टिंग बुलेट्स, आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बुलेट्स डालना सिखाएं। इस तरीके में हम होम टैब में पैराग्राफ के मेन्यू में बुलेट्स के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर ब्लिंकिंग लाइन है वहां एक बुलेट बन गया है। बुलेट्स के मुख्तलिफ डिजाइंस डालने के लिए हम बुलेट्स के साथ बने हुए छोटे से तीर पर क्लिक करते हैं।
ड्रॉप डाउन लिस्ट से अब हमारे सामने बुलेट्स की लिस्ट खुल गई है। जिस डिजाइन के बुलेट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर वो बुलेट्स लग जाती हैं। हमारे सामने अब स्क्रीन पर एक बुलेट बना हुआ है। उसके आगे कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद जब हम एंटर की दबाते हैं तो अगली लाइन पर एक और बुलेट आ जाता है। इसी तरह हम अपने सारे टेक्स्ट को बुलेट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब अगली लाइन पर बुलेट न बने तो एंटर की दो दफा दबाएं। बुलेट्स की तरह नंबरिंग भी आपकी टेक्स्ट को तरतीब देने के काम आती है। नंबरिंग करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम नंबर वन टाइप करके उसके आगे फुल स्टॉप या ब्रैकेट टाइप करते हैं। दूसरे तरीके में हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि ब्लिंकिंग लाइन से पहले अब वन लिखा हुआ नजर आ रहा है। नंबरिंग करने के तीसरे तरीके में हम पहले पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के साथ बने हुए एरो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने नंबरिंग करने के मुख्तलिफ स्टाइल आ गए हैं। हम इनमें से अपनी पसंद का स्टाइल चूज करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने सीखा टेक्स्ट का फॉन्ट तब्दील करने का तरीका, टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक में लिखने का तरीका, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हाइपरलिंक और टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका। टेम्पलेट्स। अगर हम टेम्पलेट के जरिए कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखिए एक टास्क पैन खुल गई है। टास्क पैन एक ऐसी विंडो को कहते हैं जो आपको कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस फराहम करती हो। इस टास्क पैन में कई ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो एमएस वर्ड में पहले से बने हुए मौजूद हैं और आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने टेम्पलेट्स की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें लेटर्स, फैक्सेस और रेज्यूमेस के टेम्पलेट्स हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ एक डब्बा बना हुआ है। टेम्पलेट्स की स्क्रीन पर बना हुआ प्रीव्यू का डब्बा आपको ये दिखाता है कि आपने जो टेम्पलेट्स सिलेक्ट की है उसका फॉर्मेट क्या है। इस टास्क पैन के नीचे वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो हम इंटरनेट के जरिए एमएस ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसा कि लेटर्स के टेम्पलेट्स में हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप उनके फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के टेम्पलेट्स आते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इन्विटेशंस, पोस्ट कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हर तरह के कार्ड्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टास्क पैन के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक एरो के साथ जगह बनी हुई है। हमें इन तमाम टेम्पलेट्स के अलावा अगर मजीद टेम्पलेट्स चाहिए हों तो हम इस खाली जगह पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को या दोस्तों को कोई बात याद रखवाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। ऐसे नोट को मेमो कहते हैं। अगर हमें मेमो लिखने के लिए टेम्पलेट दरकार हो तो हम सर्च करने के लिए मेमो टाइप कर रहे हैं और इस तीर के निशान पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास मेमो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फर्क सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को मेमो भेजना है तो आप एक बेतकल्लुफ स्टाइल अपनाना चाहेंगे, जैसे कि कंटेम्प्रेरी मेमो का स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में मेमो भेजना है तो आप प्रोफेशनल मेमो इस्तेमाल करेंगे। वर्क विद इन अ टेम्पलेट ऑन अ स्पेसिफाइड टास्क। अब तक हमने देखा है कि एमएस वर्ड किस किस चीज के टेम्पलेट्स फराहम करता है। आइए अब हम इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले
हम फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्क्रीन की साइड पर न्यू डॉक्यूमेंट का टास्क पैन खुल गया है। अब हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक कर रहे हैं। टेम्पलेट्स की स्क्रीन में हम एग्जीक्यूटिव लेटर के टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दाएं तरफ से टेम्पलेट के दायरे को सिलेक्ट करके क्रिएट के बटन को दबा रहे हैं। किसी भी टेम्पलेट को फिल करना बहुत आसान है। टेम्पलेट के अंदर पहले से ही वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिनको पढ़कर आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट को किसी भी ऑर्डर में फिल किया जा सकता है। आपकी आसानी के लिए हम टेम्पलेट को ऊपर से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है पिक द डेट। इधर क्लिक करते हैं तो देखें साथ ही एक छोटा सा एरो बन गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर खुल गया है। यहां से हम मिसाल के तौर पर 14 जनवरी 2015 की तारीख को सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर तारीख लिखी हुई आ गई है। डेट के बाद सेंडर एड्रेस आता है। इधर हम भेजने वाले का नाम मसलन जावेद खान और इदारे का नाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस टाइप कर रहे हैं। सेंडर की तफसीलात के आगे हम उस बंदे का नाम और एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने खत भेजना है। इसके बाद टाइप द सैल्यूटेशन में हम डियर सर लिख रहे हैं। इसके बाद लेटर की बॉडी आ जाती है। इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। जहां पर टाइप द क्लोजिंग लिखा है वहां हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे। नाम के बाद हम अपना टाइटल एंटर करेंगे और कंपनी का नाम लिखेंगे। फिनिशिंग अ डॉक्यूमेंट स्टाइल्स एंड पेजिनेशन। आपने नोट किया होगा कि हमको जब भी टेक्स्ट वाजे करना होता है तो उस पर 2-3 फर्क इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है इसको वाजे करने के लिए हम पहले इसको बोल्ड कर रहे हैं, फिर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसका साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब सोचिए अगर हम ये सारा काम एक ही रिबन बार से कर सकें तो कितनी आसानी होगी। वर्ड में ये सारे काम एक ही जगह से किए जा सकते हैं। हमारे सामने होम की टैब में क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग के मेन्यू एक ही रिबन में दाएं से बाएं नजर आ रहे हैं। फॉन्ट मेन्यू में इस एरो पर क्लिक करें तो लंबी सी एक लिस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेक्स्ट मौजूद हैं। अगर हम इन स्टाइल्स में से कोई अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब जो स्टाइल हम टेक्स्ट को देना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। देखिए सिलेक्ट टेक्स्ट भी अब उसी स्टाइल में लिखा नजर आ रहा है जिस पर हमने फॉन्ट मेन्यू में क्लिक किया था। अगर आप चाहते हैं कि जो स्टाइल आपने खुद पहले किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किया है वही स्टाइल किसी और टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका स्टाइल हमने दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। इस तरह हम देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट पर कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, फिर दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी वही स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। चेंजिंग पेज साइज सेटअप। कभी कभी आपको मुख्तलिफ तरह के पेपर्स पर काम करने की जरूरत होती है। ये काम करने के लिए हम वर्ड में पेज का सेटअप बदल देते हैं। आइए हम पेज के सेटअप को तब्दील करना सीख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पेज का सेटअप तब्दील करने के लिए पेज लेआउट के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रिबन में पेज लेआउट की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। यहां पर हम थीम्स पेज सेटअप पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ और अरेंज की ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स ऑब्जेक्टिव। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर डालने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम हेडर एंड फुटर के मेन्यू में हेडर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर
مختلف آپشنز کے ساتھ ہیڈر کی ایک لسٹ ڈسپلے ہو گئی ہے۔ ہم پہلی آپشن یعنی کہ بلینک ہیڈر پر کلک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکومنٹ کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈبا بن گیا ہے۔ یہ ڈبا اس پیج کا ہیڈر کہلاتا ہے۔ ویسے تو ہیڈر میں کچھ بھی ٹائپ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہیڈر کو عام طور پر ڈاکیومنٹ سے متعلق خاص انفارمیشن ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پیج نمبر، آتھرز نیم، ڈیٹ آف کریشن وغیرہ۔ اس کام میں ورڈ خود بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارے سامنے جو نئی ٹیب نظر آ رہی ہے اس کو ہیڈر اینڈ فوٹر ٹول ڈیزائن کہتے ہیں۔ اس ریبن بار میں ہم ہیڈر اور فوٹر کے ڈیزائن کے حوالے سے فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس ریبن بار کے انسرٹ کے مینیو میں مختلف ہیڈر فارمیٹس ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم کوئک پارٹس پر کلک کر کے ڈاکیومنٹ پراپرٹی کے اندر آتھر کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں تو ہیڈر کے اندر آتھر کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کرتے ہیں تو ہیڈر میں ڈیٹ انٹر ہو گئی ہے۔ ہم چاہیں تو یہ انفارمیشن چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہم ڈیٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ ورچوئل یونیورسٹی ٹائپ کر رہے ہیں۔ اب ہم ہیڈر کے ساتھ فوٹر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ پیج کے نچلے حصے پر بھی ایک ڈبا بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پیج کا فوٹر ہے۔ فوٹر بالکل ہیڈر جیسا ہی ہے۔ اس میں ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ہم نے ہیڈر میں کیے تھے۔ اب ہم ہیڈر اینڈ فوٹر ٹول بار میں پیج نمبر میں پہلی باٹم آف پیج آپشن سے پیج ایکس آف وائی کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے فوٹر میں پیج ون آف ون ٹائپ ہو گیا ہے۔ یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ڈاکیومنٹ میں کتنے پیج ہیں اور ہم اس وقت کس پیج پر موجود ہیں۔ ہیڈر اور فوٹر میں ڈالے گئے ٹیکسٹ پر ہم مختلف فارمیٹنگ آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم آتھر نیم کو سلیکٹ کر کے اس کو بولڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر کو سلیکٹ کر کے انڈر لائن کر رہے ہیں۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر۔ اسپیلنگ چیک اور گرامر چیک کا استعمال اور فائدہ دکھانے کے لیے ہم پہلے ڈاکیومنٹ میں ایک جملہ ٹائپ کر رہے ہیں۔ اس جملے میں ہم نے کچھ غلطیاں جان کر کی ہیں۔ غور کریں کہ جملے میں جدھر جدھر اسپیلنگ مسٹیک کی گئی ہیں وہاں اس لفظ کے نیچے ایک لال رنگ کی لکیر بن گئی ہے۔ یہ لکیر ہم کو بتا رہی ہے کہ ورڈ کا خیال ہے کہ ہم نے یہ لفظ مس سپیل کیا ہے۔ ورڈ کے اس فیچر سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائپنگ کرتے وقت ہی ہم کو اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کا پتہ چل جاتا ہے، لہذا ہم ان کو اسی وقت کریکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایم ایس ورڈ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ غلط ٹائپ کیا ہے۔ ایم ایس ورڈ کے اندر ایک انگلش ڈکشنری موجود ہے۔ ہم ڈاکیومنٹ میں جو بھی لفظ ٹائپ کرتے ہیں، ایم ایس ورڈ ڈکشنری کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹائپ کیا گیا لفظ اس کی ڈکشنری میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر ایم ایس ورڈ کو اس ڈکشنری میں آپ کا ٹائپ کیا گیا لفظ نہیں ملتا تو وہ اس لفظ کو اسپیلنگ مسٹیک سمجھتا ہے۔ اس لیے اسکرین پر عمران کو بھی اسپیلنگ مسٹیک کے طور پر انڈر لائن کیا گیا ہے، کیونکہ عمران انگلش کا لفظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ایم ایس ورڈ کی اسپیل چیک فیچرز استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو اسپیلنگ مسٹیکس دکھا رہا ہے کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی لفظ کی درست اسپیلنگ نہیں آتی، ایسے میں ہم ایم ایس ورڈ کا اسپیل چیک ٹول استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اسکرین پر پاکستان ٹائپ کیا ہے لیکن اس کی اسپیلنگ غلط ٹائپ کی گئی ہے۔ اس کی اسپیلنگ صحیح کرنے کے لیے ہم ریویو کی ٹیب میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اسپیلنگ اینڈ گرامر کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں دو ٹیکسٹ باکس ہیں،
और साइट पर कुछ बटन्स मौजूद हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमको वो लफ्ज लिखा नजर आ रहा है जो हमने गलत टाइप किया था। जब आप कोई लफ्ज गलत टाइप करते हैं तो वर्ड को ये नहीं पता लगता कि आपने असल में कौन सा लफ्ज टाइप करने की कोशिश की थी। इसलिए वो अपनी डिक्शनरी में से सारे मिलते जुलते लफ्ज नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है ताकि आप खुद उनमें से ही लफ्ज चुन लें। सजेशंस वाले टेक्स्ट बॉक्स से हम गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस करेक्ट स्पेलिंग को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए हमको साइट पर बने हुए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इन बटन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे ऊपर इग्नोर वंस का बटन है। इसको दबाने से एमएस वर्ड गलत लफ्ज को सही नहीं करेगा और इस दफा इस लफ्ज को इग्नोर कर देगा, यानी इसके नीचे से लाल रंग की लाइन हटा देगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि वर्ड उर्दू नामों को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। स्पेलिंग चेक करते हुए जब वर्ड इस नाम के बारे में पूछे तो इग्नोर का बटन दबा दें। इग्नोर ऑल का बटन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि इग्नोर का करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने ये नाम अपने डॉक्यूमेंट में काफी जगहों पर इस्तेमाल किया है तो बजाय इसके कि हम बारी बारी सब गलतियों को इग्नोर करें, हम एक ही दफा इग्नोर ऑल का बटन दबा देते हैं और ये गलती पूरे डॉक्यूमेंट में इग्नोर हो जाती है। इसके बाद ऐड टू डिक्शनरी का बटन है। ये बटन दबाने से सिलेक्टेड वर्ड एमएस वर्ड की डिक्शनरी में शामिल हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अब एमएस वर्ड इस लफ्ज को कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं समझेगा। अब जो दो बटन्स जिनकी तरफ माउस पॉइंट कर रहा है, चेंज और चेंज ऑल के बटन्स हैं। चेंज का बटन दबाने से आपने जो सजेशंस के टेक्स्ट बॉक्स में गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स सेलेक्ट की थी वो डॉक्यूमेंट में गलत स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर देती हैं। चेंज ऑल का बटन दबाने से डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगहों पर हमने यही मिस्टेक की है वो सारी करेक्ट कर दी जाती हैं। इस लाइन में जो आखिरी बटन है वो ऑटो करेक्ट का है। ये भी काम तो चेंज के बटन वाला ही करता है, लेकिन यहाँ पर इसको करेक्ट करने के बाद अगर हम बाद में डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हुए यही गलती करें तो वर्ड उसको खुद करेक्ट कर देता है। जैसा कि ये हम पाकिस्तान को करेक्ट करते हुए ऑटो करेक्ट का बटन दबा रही हैं। अब जब हम पाकिस्तान दोबारा टाइप करते हैं तो देखिए वर्ड ने इसको खुद करेक्ट कर दिया है। समरी। इस लेसन में आपने सीखा डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल, पेज सेटअप का तरीका, डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल और टेक्स्ट की